हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। प्रीवियस पेपर पड़े हैं, उनको आप हल कर सकते हैं और आप दे सकते हैं। उन्हें हल करा रखा है सारे प्रीवियस पेपर को, बहुत अच्छे स्तर के पेपर हैं वो। प्रीवियस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल कौन सा है? सहसा ताल है, ये कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में, टेहरी में पड़ता है। कहाँ? टेहरी में। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीम ताल है, जो कौन से ज़िले में पड़ता है? नैनीताल ज़िले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कछुला खर्क क्या है? तो कछुला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ठीक है। कहाँ पर है ये? चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो उत्तराखंड में 500 जड़ी बूटी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा इसके नाम पर शुरू की गई थी? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर शुरू हुई थी, 2008 में शुरू किया गया था। ऐसे 2008 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, चिप्पू आंदोलन में 1974 में रेड़ी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो ये गौरा देवी जी थी, उन्होंने ही चिपके आंदोलन का महिला नेतृत्व किया था। और इसको विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया था? सुंदर लाल बहुड़ा जी ने पहुंचाया था। किसने? सुंदर लाल बहुड़ा जी ने। और इनको इस क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है जो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं जो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक प्रोफेसर गणेश शैली जी हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा सुंदरलाल बहुड़ा जी ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, नारा है, और पुस्तक एक हमारी पर्यावरण को लेकर पुस्तक भी है। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला था? तो वनों के नीलामी के विरोध में 1977 से 1978 के बीच में आंदोलन चला था ये। अगला प्रश्न है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में, देखिए कौन सा है? तो ये है अपना धान, गेहूं, मंडवा और पारती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है? तो खाद्यान्न संग्रह में होता है भकार का उपयोग। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिगेड बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1863 से 1873 के बीच में ब्रिगेड बंदोबस्त हुआ था। किसने शुरू किया था? ब्रिगेड ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है? नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ उली रोपवे कब शुरू किया गया था? तो 1993 में शुरू किया गया था। और इसका निर्माण कब से शुरू किया था? 1983 में शुरू कर दिया गया था। और महत्वपूर्ण रूप से कब शुरू किया गया था? 1993 में शुरू कर दिया था। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग बहते हुए बहती है? तो ये कौन सी है? मंदाकिनी, जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग बहती है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है कहाँ पर? आपको पता होना चाहिए, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा नंदप्रयाग का संगम नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का नंदप्रयाग होता है।
अलहिंदा भागीरथी का देवप्रयाग में होता है टेहरी में, अलहिंदा धौलीगंगा विष्णुगंगा इसका होता है विष्णुगंगा में होता है विष्णुप्रयाग में, और अलहिंदा भागीरथी का देवप्रयाग में मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अगले बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर चमोली में स्थित है। यहाँ से नारद कुंड से निकालकर इस मूर्ति को स्थापना की थी शंकराचार्य जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की अष्टाध्यायी देवी का क्या नाम है? तो माया देवी नाम है, क्या माया देवी जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किरसु कहाँ स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है, कहाँ पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली किस तरह की है? तो उत्तराखंड शैली है। अगला प्रश्न है, चितई मंदिर कहाँ स्थित है? चितई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, इस दृष्टि से दूसरा स्थान कौन किसका है? दूसरा स्थान आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने की थी? तो गढ़वाल पेंटिंग की रचना मुकुंदी लाल जी ने की थी। मुकुंदी लाल एक पेशे से क्या थे? वकील थे। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो यमुनोत्री 94 पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर स्थित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में केदारनाथ कौन से राजमार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो थड़िया नृत्य क्या है? महिला के प्रथम बार मैके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। झाल बड़ाई दमामा तथा मुरियो क्या है? ये कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं, क्या कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं ये सारे के सारे। अगला प्रश्न है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो गढ़वाली के चित्रकला के प्रमुख चित्रकार मोला राम जी थे। कौन? मोला राम जी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से लागू कर दिया गया था। कहीं कहीं आपको मई भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 1 अप्रैल 2001 से शुरू किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल इस एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? पातिराम की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह हर एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम छोड़कर दूसरे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर बहुत ही संभावना रहती है इसको पूछने की, और बहुत ही ये पुस्तक पूछी जाती हैं, ये पातिराम की पुस्तक है। आगे चलते हैं, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो कर स्रोत क्या है? वाणिज्य है, जो वाणिज्य कर है ये सबसे मुख्य कर है राज्य का। राज्य में वैट कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2005 को राज्य में वैट लागू किया गया था। आपको ये बताना है कि उत्तराखंड में जो GST है वो कौन कौन से प्रकार की GST लागू है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकृत कौन सा है? बागेश्वर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जिला भी किसे बोलते हैं? हम बागेश्वर को बोलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? और अगला बताना है आपको, उत्तराखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? आगे बताना है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? और उत्तराखंड में सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।